अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। चुलकाना धाम मंदिर के गेट खुलवाने को लेकर ग्रामीणों और मंदिर समिति में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कल जहां हजारों ग्रामीणों ने मंदिर खोलने के पक्ष में पंचायत की, लेकिन फिर भी मंदिर के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। इसी के चलते लोगों का गुस्सा फूटा और आज मंदिर के कपाट खुलवाने के लिए वो डीसी से भी मिले। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आज मंदिर के द्वार नहीं खोले जाते हैं तो वो कल से मंदिर के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। चुलकाना धाम मंदिर के गेट खुलवाने को लेकर ग्रामीणों और मंदिर समिति में विवाद अब भी बना हुआ है। एक तरफ जहां ग्रामीण मंदिर को खुलवाने पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ मंदिर समिति मंदिर को ना खोलने पर अड़ी हुई है। यही वजह रही कि आज गांववासी डीसी धर्मेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे और उनसे अपील की कि वो जल्द से जल्द मंदिर के कपाट खुलवा दें। वहीं गांववासियों ने समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि समिति में ज्यादातर लोग एक ही परिवार के हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी चला रहे हैं और वो ऐसा नहीं होने देंगे। विवाद ये है जी, बाबा श्याम के दरवाजे खुलवाने के लिए, श्याम बाबा के कपाट खुलवाने के लिए कुछ लोगों ने, जो कमेटी वाले हैं, उन्होंने 5-7 आदमियों ने श्याम बाबा के कपाट बंद कर रखे हैं काफ़ी दिनों से, जबकि 1 तारीख से, जबकि हमारे पास परमिशन दे रखी है उन्हें, जब गांव सारा गया ये कहते हैं कि हमने परमिशन ले रखी है, जबकि परमिशन 2 दिन की है, 24 और 25 तारीख की है, और श्याम बाबा कैद कर रखे हैं इन्होंने 1 तारीख से, ये हमारे पास परमिशन रही है, इसमें 24 और 25 तारीख लिखी हुई है, डीसी साहब के साइन है, जबकि उन्होंने 1 तारीख से बंद कर रखे है। अगर वो 1 तारीख से बाबा श्याम का द्वार खुला रखते तो इतनी ना तो भीड़ होती, 1 तारीख से ही पूरे महीने बाबा के दर्शन होते हैं। उन्होंने बाबा का तो 1 तारीख से पहले ही कैद कर लिया उन्होंने, 1 तारीख नहीं, अब भाई दर्शन नहीं होंगे, जबकि एक बाबा में तो रामकथा चल रही है, एक मंदिर में तो हमारे बाबा लकी सर के में, दूसरे मंदिर में बाबा कैद कर रखे हैं लोगों ने अंदर, जबकि 5 या 6 ही आदमी है जी। कल गांव में हुआ था जी, पूरे गांव की पंचायत हुई थी, पंचायत में फैसला लिया गया था भाई, उसमें कमेटी वाले भी आ रहे थे 2-4 आदमी, कमेटी वाले ये बोले चलो भाई हम खुलवाऊंगे दरवाजे, तो वहाँ आके कमेटी वाले ने कहा अब द्वार खोलो, उन्होंने प्रधान ने, रोशन प्रधान ने कमेटी द्वार खोलने से मना कर दिया, तो पूरे गांव ने खड़े होकर द्वार खोले। हमारे गांव में है ना, ये कमेटी इस तरह मनमानी कर रही है, हर तरह से मनमानी कर रही है, ये कमेटी भी टूटनी चाहिए, गांव की एक ही परिवार की कमेटी बनी हुई है, जबकि हम तो डीसी साहब से इसलिए मिले आज भी, ये बार बार एक ही कहते हैं, अब डीसी साहब ने कपाट बंद कर रखे हैं, जबकि डीसी साहब ने उसकी हमने कटिंग भी देखी अखबार की, उन्होंने ये कहा भाई कमेटी की समिति की मर्जी है, वे खोल लो या बंद करो, हमने सिर्फ 2 दिन की परमिशन दे रखी है 24 और 25 तारीख की, जबकि उन्होंने मेले के ये 1 तारीख से ही बंद कर रखे है बाबा के कपाट, और इन्होंने क्या कर, अगर ये अब भी नहीं खुला आज आज और इंतजार करते हैं तो कल से बाबा श्याम के गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू होगा। डीसी साहब बोले भाई मैंने बंद करने का तो नया आदेश दिया, इन्होंने कोरोना के वो फलों को कट दिया, इन पर नहीं हुआ है वो सिस्टम, नहीं सिस्टम हुआ तो भाई अपना बंद रखो, तो डीसी साहब ने 2 दिन की परमिशन दे दी भाई भीड़ हुआ ज़्यादा उस दिन बंद कर दो, इन्होंने क्या करा जी 1 मार्च से ही बंद कर दिया। अब बाहर के लोग आते हैं जो बेचारे दिल्ली से, बम्बई, कलकत्ता, पूना से, आगरा से, वे बेचारे पेट पल्ले नहीं आते हैं, वे बेचारे रो रो के जाते हैं, मंदिर दर्शन भी नहीं होते। अब गाँव राव ये कर बाहर जाकर गाँव का नाम आता है भाई चुलकाने का मंदिर बंद है, अब साइड में एक मंदिर है चुलकाना बाबा लकी सर का, उसमें रामकथा चल रही, जो मंदिर है वो भी गाँव का वो खोलिया है जी, कोई आओ कोई जाओ, ये श्याम बाबा का मंदिर बंद कर दिया जी इन्होंने, तो हाँ कमेटी की मनमानी है जी, कमेटी मनमानी कर रही है। कुछ गांव वासियों ने ये भी कहा कि दूर दूर से लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन जब वो मंदिर में पहुंचते हैं तो उन्हें मंदिर के द्वार बंद मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बिना दर्शन के वापस लौटना पड़ता है। अब अपनी चला रहे जी, 10-15-20 साल हो लिया अपना, ना किसी का हिसाब देना, ना किसी का किताब देना, ना किसी ने बड़न दिया मंदिर में,
भंडारा हुआ उनकी मर्जी का हुआ, धोख मारे जो उनकी मर्जी का मारे। कमाटी की मनमानी है, दो तीन आदमी कमाटी के एक ही परिवार में से हैं, गांव का कोई भी मतलब कमेटी में कोई भी मेंबर नहीं है, और एक पानीपत का सिंगला कोई लाला बनिया है, और इनसे मतलब ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना तो किसी को बढ़ने देते हैं, पुजारियों को ये पीटते हैं, पुजारियों को गाली देते हैं, पुजारी खड़े इनसे पूछ लो, जो पुजारी पीट दो हमने ना छटवाए और ना गेट में दें भाग दे हूँ, मेरा भरण दो ना भरण दो, लेकिन गाँव के लिए कपाट खुलने जरूरी है। गाँव वासियों ने ये भी बताया कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ दो दिन के लिए मंदिर बंद करने को कहा गया था, लेकिन समिति की तरफ से तानाशाही की जा रही है, साथ ही उन्होंने समिति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसी साहब ने एसएचओ साहब ने ये भी कहा था, अगर गांव साथ दे अदम 24-25 तारीख को भी रिजेक्ट कर देंगे, मेला लगेगा। चुलकाना धाम श्याम बाबा के मंदिर के कपाट खुलवाने के लिए अब ग्रामीण और मंदिर समिति आमने सामने है। अब ग्रामीणों की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर आज मंदिर को नहीं खोला गया तो वो कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। देखना होगा कि आज श्याम बाबा के मंदिर के कपाट खुलते हैं या नहीं। आपको इस खबर पर क्या कमेंट करना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. करियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812215।